आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ Highlight the, the structural importance of an antibody molecule with a diagram. Name the four types of antibodies found to give a humoral immune response, mentioning the function of

एंटीजेंस जो कि पे प्रेजेंट होते हैं पैथोजन पे प्रेजेंट होते हैं ऐसे उसके इफेक्ट को काउंटर एक्ट करता है ये मेन फंक्शन होता है एंटीबॉडीज का वाई शेप होती है इसके पास दो तो लॉन्ग चेन प्रेजेंट होती है दो लॉन्ग चेन होती है लॉन्ग चेन्स जिनको हम हैवी चेन्स भी बोलते हैंवी चेन्स एंड दो होती है लाइट चेन्स लाइट चेन्स जो कि बहुत शॉर्ट होती है इसलिए इसका जो हम फॉर्मूला जब भी लिखते हैं तो हम लिखते हैं H2L2 टू एल टू यहाँ पे आप देखेंगे डायग्राम पे तो ये वाली जो है वो लॉन्ग चेन है एंड शॉर्ट वाली ये रही इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं डाइ सल्फाइड बॉन्ड्स डाई सल्फाइड बॉन्ड्स की मदद से डाइ सल्फाइड बॉन्ड्स की मदद से ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्पैक्टेड रहता है तो ये तो था डायग्राम ऑफ द एंटीबॉडी अब बात करनी है फोर टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज जो कि ह्यूमरल रिस्पॉन्स ह्यूमरल रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है

इन्फेंट को प्रोटेक्शन दिलानी होती है इनफेंट को प्रोटेक्ट करता है नेक्स्ट ये ये मतलब के, के आती है आई जी ई एंटीबॉडी एंड ये एलर्जी से हमें प्रोटेक्शन दिलाती है एलर्जी जब किसी को हो जाती है तो उस टाइम पे प्रोड्यूस होती है और एंटीबॉडीज का एग्जाम्पल हो जाएगा आई जी जी एंड आई जी एम क्लास सिक्स से लेके नीट आई आई टी जी मीन और एडवांस के लेवल तक मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर